नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। प्रमुख खबरें। हल्द्वानी में 5,000 परिवारों को बेदखल करने के मामले में प्रशांत भूषण ने एससी में याचिका दायर की। सुल्तानपुरी केस, कार के आगे के लेफ्ट पहिए में फंसी थी पीड़िता, एफएसएल रिपोर्ट। दिल्ली पांडव नगर में 7 में नए साल की पार्टी न मनाने पर लड़के ने लड़की को तेजाब फेंकने की धमकी दी। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 175 नए केस सामने आए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के आदर्श नगर में दोस्ती तोड़ने से नाराज युवक ने युवती को मारा चाकू। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।